हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट शेयर के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे, उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या क्या न्यूज़ है, और साथ ही साथ फिर हम लोग टेक्निकली लेवल्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो डेफिनेटली जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। और आरती इंडस्ट्रीज के एनालिसिस को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस स्टॉक में आपको एक बहुत ही शानदार रिटर्न बनाने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो चलिए आज एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शेयर के ऊपर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शेयर में अगर देखेंगे, स्टॉक में फ्राइडे के सेशन में 2% का एक अच्छा उछाल देखने को मिला, और पूरे वीक की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन 3.25% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। लास्ट 5 ईयर में स्टॉक ने बहुत ही मैसिव रिटर्न बना के दिया है, 975% का एक मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है। तो इस स्टॉक के ऊपर न्यूज़ क्या है? यहाँ पे न्यूज़ है, कंपनी को 65,000 करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है। ये आपको 97 अपग्रेडेड तेजस का ऑर्डर होने वाला है। इसके लिए अभी जो आपको प्रपोजल ड्राफ्ट बनाने के लिए बोल दिया गया है, जो आप प्रपोजल सबमिट कीजिए, डिफेंस जो कमेटी है, डिफेंस एक्विजिशन कमेटी DAC, उनको जो है आपको इनको सबमिट करना पड़ेगा। 3 मंथ के अंदर का टाइम दिया गया है, जो 3 मंथ के अंदर जो है आप किस प्राइस पे देंगे, क्या आपका टेक्निकली होगा, सारा डिटेल जो है डिटेल के में सारा आपको सबमिशन करना है इनके पास। तो इंडिजिनसली ही लेना है, इसी वजह से जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑर्डर कंफर्म ही माना जा रहा है। लेकिन अभी इसमें कुछ और कंफर्मेशन, एक्चुअल कंफर्मेशन में जो ऑफिशियल कंफर्मेशन होगा उसमें अभी थोड़ा और टाइम लग सकता है। ऑलरेडी अगर बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास जो है लगातार आपको ऑर्डर आ रहे हैं, ऑलरेडी ऑर्डर बुक जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डोमेस्टिकली भी है, और साथ ही साथ जो है आपको एक्सपोर्ट का भी ऑर्डर जो है यहाँ पे धीरे धीरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज ही हो रहा है। तो HAL में एक शानदार पैसा अभी भी बन सकता है, लेकिन ऑलरेडी स्टॉक जो है आपको काफ़ी ज़बरदस्त एक्सटेंड हो चुका है इसका रैली। तो यहाँ पे जो है मोमेंटम नो डाउट थोड़ा सा स्लो हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक जो है लगातार आपको ऊपर की साइड में तेजी कर रहा है। मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे 2018 में लिस्ट होने के बाद स्टॉक जरूर नीचे गया, बट उसके बाद से जब से स्टॉक ने 2021 में 600 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, एक बार ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने वापस से इस लेवल को कभी टच नहीं किया। एक बार के लिए जरूर यहाँ पे रीटेस्ट किया और उसके बाद बिल्कुल वर्टिकल मूव है। और इस लेवल से अगर देखेंगे 2022 के जनवरी मंथ से स्टॉक ने यहाँ पे आपको लो लगाया था 606 का, और स्टॉक ने यहाँ पे आपको हाई लगाया है 3677 का, यानी कि स्टॉक ने यहाँ पे आपको मोर देन 500% का रिटर्न बना के दिया है। साथ ही साथ आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा जो है डिविडेंट भी मिला होगा। तो एक बहुत ही शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है। इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, एक चीज मैं क्लियरली यहाँ पे बोलूंगा, स्टॉक ऑलरेडी काफी जबरदस्त रैली एक्सटेंड कर चुका है, और इनकेस अगर अभी भी आपने पोजिशन नहीं बनाया है और आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, आप यहां पे अगर बाई कर रहे हैं तो SIP मोड में बाई करेंगे, और अभी जो आपका SIP का शेड्यूल होगा वो स्लो होगा। एक बार इस स्टॉक में करेक्शन स्टार्ट होगा, धीरे धीरे आप रेशियो बढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे करेक्शन डीपर होते जाएगा आप यहां पे जो है और एग्रेसिवली बाई करते जाएंगे, तो ही आपको एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। क्योंकि नो डाउट यहाँ पे भी आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉक सपोज 4000 जाने के बाद अगर 1000 पॉइंट का करेक्शन दे देगा तो वो फिर आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी वजह से जो है टेक्निकली अगर देखेंगे स्टॉक नो डाउट काफी अच्छा है, कंपनी नो डाउट काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे कंपनी में भी करेक्शन होते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं कई बार देता हूँ, डीमार्ट के चार्ट को देखिए, क्या जबरदस्त करेक्शन देखने को मिला, कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद वापस से ब्रेकआउट दिया। PDLite के स्टॉक को देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को देखिए, HDFC बैंक में अभी करेक्शन हो रहा है। तो अच्छी अच्छी कंपनियां करेक्शन देती है, टाइम मिलता है आपको एंट्री करने का, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए।
एसआईपी मोड के लिए मैं तभी बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को लगता है जो नहीं इस स्टॉक में मुझे करना ही है, तो फिर उस केस में आप एसआईपी मोड में जा सकते हैं, जिससे कि 1, 2, 3 क्वांटिटी करके आप ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं, और एक बार स्टॉक में करेक्शन होता है उसके बाद जो है आप इस स्टॉक में एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे स्टॉक के ऊपर बात करते हैं, आरती इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक में कई लोगों के पास ये स्टॉक आपको ऊपर के लेवल से है, कई लोगों के पास ये स्टॉक 900 के लेवल से है, या फिर आपको 1000 के लेवल से है, इन सभी लेवल से है, और कई रिक्वेस्ट आ रहा है जो लगातार इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। अगर इस स्टॉक में देखेंगे, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला। इससे पहले भी हम लोगों ने इस स्टॉक को कवर किया था, और ट्विटर हैंडल पे भी अगर देखेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको ट्विटर हैंडल पे भी यहाँ पे इस स्टॉक को मैंने काफी पहले से कवर किया था। नवंबर 29 को मैंने इस स्टॉक को फर्स्ट टाइम कवर किया था। यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक 560 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, और जस्ट आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने वाला था, और उसी टाइम में मैंने आपको अपडेट किया था। इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 560 के लेवल से जो है स्टॉक ऑलरेडी आपको तकरीबन 200 पॉइंट मोमेंटम कर चुका है, लेकिन स्टॉक में अभी भी काफी मोमेंटम बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट आया है। तो स्टॉक ऊपर की साइड में जो है 900 और फिर 900 के ऊपर अगर निकलता है तो 1100 का भी लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे इस स्टॉक में हम लोग बात करेंगे स्टॉप लॉस की, तो फिर स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 600 के लेवल के नीचे प्लेस करके रख सकते हैं हम लोग वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। अगर यहाँ पे 600 के लेवल पे देखेंगे तो स्टॉक ने एक डबल बॉटम पैटर्न का भी फॉर्मेशन किया है, दो बार इस स्टॉक से इस लेवल से रिजेक्शन लिया है, और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट देके एक अच्छा तेजी यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो फिर जो है यहाँ पे एटलीस्ट आपका व्यू 2 से 3 महीने का होना चाहिए, क्योंकि ये वीकली चार्ट के बेसिस पे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। मंथली चार्ट में भी अगर देखेंगे तो मंथली चार्ट में भी बिल्कुल सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन हुआ, उसके बाद स्टॉक रिट्रेसमेंट गया, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ, और कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने वापस से तेजी किया, अगेन 3 मंथ कंसोलिडेशन, और वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक जो है डेफिनेटली अब ऊपर की साइड में दूसरे स्विंग हाई को टच करने जाएगा, और उसके ऊपर जो है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ निकल सकता है। तो इस स्टॉक को जरूर जो है अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके आप यहाँ पे धीरे धीरे ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, बिड़ला सॉफ्ट। स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको रैली दिया था, स्टॉक जो है 250 के लेवल से ऊपर की साइड में तकरीबन 860 के लेवल के अराउंड का हाई लगाया, एक शानदार रैली इस स्टॉक में देखने को मिला। अब इस स्टॉक में देखेंगे तो एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, ये करेक्शन कब तक होगा चलिए इस बात को डिस्कशन करते हैं। स्टॉक में इमीडिएट सपोर्ट जो है 700 का लेवल है, यहाँ पे ये इम्पल्सिव वेव था करेक्शन का, रिट्रेसमेंट हुआ, वापस से करेक्शन स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्या इस लेवल को स्टॉक ब्रेकडाउन कर पाएगा? अगर स्टॉक 700 के लेवल को ब्रेकडाउन कर देता है और यहाँ पे आपको इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर स्टॉक स्ट्रेट अवे 600 के लेवल को टच करने के लिए जा सकता है। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पे 700 के लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करता है तो फिर स्टॉक जो है 700 टू 800 के रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, और फिर उस केस में जो है थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टॉक इस रेंज में टाइम स्पेंड कर सकता है, 1 से 2-3 महीने टाइम ले सकता है, उसके बाद अगर स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो फिर उसके बाद हम लोगों को वापस से फ्रेश तेजी देखने को मिलेगा। एक स्ट्रांग प्रोमोटर के द्वारा बैक किया हुआ शेयर है, काफी अच्छा रैली ऑलरेडी दे चुका है, ये एक करेक्शन रैली है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे जो है बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है। एक और बात अगर बात करेंगे, इससे पहले जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था मैंने आपको एक बात बताया था, जो जितने भी लोग 100% से ज्यादा के प्रॉफिट में हैं या फिर काफी नीचे के लेवल से होल्ड कर रहे हैं तो स्टॉक में जो है आप यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है क्लियरली 800 के नीचे जैसे ही क्लियर क्लोज दिया तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट अवे स्टॉक 700 के लेवल को टच कर सकता था, ये क्लियर हो गया क्योंकि इसी लेवल पे स्टॉक का सपोर्ट है। तो इसी वजह से अगर आप होल्ड कर रहे हैं
तो यहाँ पे अगर आप टाइम के लिए वेट नहीं करना चाहते हैं तो पार्सियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं और रेस्ट को आप यहाँ पे रहने दे सकते हैं, जिससे कि जब नेक्स्ट लेग का रैली होगा तो आप वहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।